बाद ना अपनी आंखों की सफाई और अपने ना गुर्दे पित्तों की सफाई जरूरत होती है, तो क्योंकि गैस शैस खाई है, आंखें भी देख रहे हैं फिट हो गई हैं, तो इंशाल्लाह जब भी इमरान खान ने हमें बुलाया है, हुक्म दिया है, हमने पूरा किया है, और इंशाल्लाह आज़ादी जब तक हकीकी आज़ादी की जंग है इमरान खान के संग है इंशाल्लाह। अच्छा, आप तीनों भाई नजर आते हैं कोई परवाह नहीं है कि, और अली अमीन साहब भी आए हैं, क्या कहेंगे आप? वो तो कहते थे कि हमारी तैयारी है, आने नहीं देंगे। बस आप देख लें, हमारी भी तैयारी थी आने की, माशाल्लाह हमारे शेरों ने किस तरह के सारी चीज़ें अबूर किए हैं। कल रात जो इन्होंने शेलिंग की है हमारे बच्चों पे, मतलब है बिल्कुल फजूल, लाइव बुलेट्स फायर किए हैं, करोड़ों रुपए के लोगों का नुकसान किया है। जो कंटेनर इन्होंने फ्रूट के और सब्जी के तीन तीन दिन रोके हैं, उनके टायर फाड़ दिए हैं, उनके टायर मतलब निकाल दिए हैं, उन लोगों से डॉक्यूमेंट्स और शनाख्ती कार्ड ले गए। तो मैं समझता हूँ इन चीज़ों से ये जो इमरान खान का जुनून है ये नहीं रुक सकता, और हम लोगों ने हमेशा एक ही बात की है, इमरान खान का हमेशा एक ही हुक्म है, पुरअमन एहतजाज, पुरअमन जलसा, और साथ ही साथ उनका ये हुक्म कि सबसे पहले पाकिस्तान, और ये कि पाकिस्तान का सब कुछ हम सब का है। इंशाल्लाह जब भी पीटीआई आई है, किसी एक चीज़ की किसी ने नुकसान की किसी ने नहीं बोला, किसी एक बंदे की कंप्लेंट नहीं आई। आप यहाँ पर भी देख रहे हैं लोग बोतलें भी बेच रहे हैं, पानी भी बेच रहे हैं, चीज़ें भी बेच रहे हैं, पीछे भी हमारे लड़कों ने जिस तरीके से डिसिप्लिन के साथ स्टोर पर खड़े होकर पूरी लाइनें लगाई हैं, सारी रात के भूखे थे, कल के से भूखे थे, किसी की नहीं आया कि किसी ने किसी से एक इतनी चीज़ भी उठाई हो। तो बात यह है कि ये चीज़ हमारे मुल्क की जो हकीकी आज़ादी है, ये हमारी सब लोगों का इमरान खान का जो एक जुनून है, जो इमरान खान का एक नज़रिया है कि रियासत मदीना बने, एक हकीकी आज़ादी हो, ख़ुद मुख्तार पाकिस्तान हो, इंशाल्लाह जब तक वो नहीं बनता हम सब की जंग है। कन्नापुर साहब, ये बताएं कि जब आप निकलने लगे थे तो क्या सोचकर निकले थे, और आप बड़े भाई हैं, बड़ा भाई हमेशा छोटे को कोई मशवरा देता है, कोई बात बताता है, आपने अली अमीन साहब को क्या कहा कि आज उन्होंने पहुँच कर दिखाया? यार बात यह है कि आप देख रहे हैं कि ये लोग समझते हैं कि शायद हम कोई बाहर के लोग हैं, के पी के भी पाकिस्तान है, पंजाब भी पाकिस्तान है, मरकज भी पाकिस्तान है, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, बलूचिस्तान, सिंध, ये सब हमारा मुल्क है, और ये हमारा शहर है, ये हमारा कैपिटल है, और हम जानते हैं यहाँ के रास्ते। इन लोगों को क्या पता भाई, इनका तो सब कुछ बाहर के मुल्कों में है, इन लोगों ने कौन सा मोटरसाइकिलों पे सवारियाँ की हैं, इन लोगों ने कौन से गली कूचे देखे हैं, इन लोगों ने कौन से चक देखे हैं यहाँ के, ये कौन सा लोगों की गम खुशियों में जाते हैं। तो पीटीआई के लोगों को तो इतने रास्ते पता है, ये तो चैलेंज होता है कि हमने मोटरवे से आना है और हम मोटरवे से आते हैं। अगर ये वाली चैलेंज की बात ना हो तो हमारे पास इतने रास्ते हैं कि इनको समझ ही ना आए हम इधर पहुंच जाएं। अगर आपको याद हो जिस वक्त हम पहाड़ गुजर के आए थे और इनको उस वक्त पता चला कि जब हम बनीगाला इमरान खान के पास पहुंच गए थे, तो इंशाल्लाह इस वक्त भी हम लोग अपने भरपूर तरीके से अपना यहाँ पर एहतजाज रिकॉर्ड कराने आए हैं, और इंशाल्लाह एहतजाज रिकॉर्ड करेंगे, और इसके जो भी इमरान खान के इंस्ट्रक्शन होंगे पूरी तरीके इंसाफ इंशाल्लाह ये इमरान खान की जो भी इंस्ट्रक्शन आएंगी। आज मेरे ख्याल में लाहौर में भी एहतजाज था, यहाँ भी था, अब नए एहतजाज के जहाँ जहाँ का हुक्म मिलेगा इंशाल्लाह पीटीआई के टाइगर वहाँ। गिरफ्तारी के हवाले से खबर आ रही है कि अली अमीन को मोबाइल काम नहीं कर रहे, हम तो खुद अभी पहुंचे हैं, आई डोंट नो, लेकिन अली यहाँ से हो गया है मेरे ख्याल में डी चौक से वो, हाँ, तो मेरे ख्याल में अभी अगर कोई ऐसी हरकत करेंगे तो आई डोंट नो, मेरे ख्याल में उनको ही नुकसान होगा इससे, और तो मैं कुछ नहीं कह सकता। इस वक्त इतने यहाँ पे लोग आए हुए हैं, मेरे ख्याल में शायद केपीके का आज जो काफिला है सबसे बड़ा काफिला था जितने भी अभी तक हम आते रहे, और अगर ये लोग यहाँ बैठ गए और ये लोगों ने कहा कि नहीं कि हमने वापस नहीं जाना उसके बगैर, तो खामखा हुकूमत के लिए इश्यूज़ बनेंगे। हुकूमत के पास कुछ भी नहीं है, मुल्क को तबाह कर दिया उन्होंने, और अब वो सिर्फ और सिर्फ अपने दिन गुजारते हैं। इंशाल्लाह कोई ऐसी बात नहीं होगी, मुझे नहीं लगता कि हमारे इदारे, हमारी इस्टेब्लिशमेंट इतनी बेवकूफाना हरकत करेगी या इनको करने देगी। बहुत शुक्रिया जी, अली अमीन के बड़े भाई उमर अमीन गंडापुर मेरे साथ मौजूद थे, सबसे बड़े भाई हैं, और आज गंडापुर ने बताया कि हमने कहा था कि हमने पहुंचना है और हमने पहुंचकर दिखा दिया है। सो ये सूरत हाल है जी इस टाइम यहाँ डी चौक की। इस तरह झूठ कब तक चलेगा? 47 की पैदावार को हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते 47 की पैदावार, 47 की पैदावार हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। सो ये सूरत हाल आप देख सकते हैं जी, ये सूरत हाल है इस टाइम यहाँ डी चौकी। केपीके का काफिला यहाँ पहुंच चुका है, केपीके के लोग, केपीके के जवान यहाँ पहुंच चुके हैं और यहाँ पहुंचकर बता रहे हैं। बिलाल उमर बोदला साहब कहते थे कि हमने तैयारी की हुई है, बोदला साहब सेलिंग है, जुल्म है। जब हसनैन तुम्हारे तो एक कल का साफी डी चौक में चेयर डाल के बैठा था, अब जब हम आए हैं तो उसका मोहसिन नकवी निकल गया है, जाके कपड़े बदलो नापाक हो गए, और सेकंडली मोहसिन नकवी साहब आ गए हैं, पहुंच चुके हैं, मेरे ख्याल 2 किलोमीटर का फासला डी चौक से रह गया होगा,
और ये अली अमीन का काफिला नहीं है, ये तो अली अमीन के वर्कर्स का काफिला आया इधर से मारगला वाली साइड, अली अमीन तो उधर से आ रहा है। इंशाल्लाह ताला जितनी मर्जी शैलिंग कर ले, सुहाबी से लेके आज दूसरा दिन है, टाइम का भी नहीं पता क्या टाइम हुआ है। ये कौम खान ने 28 साल की मेहनत से बनाई है, ये खान के नौजवान है, इनको किसी क्यादत की जरूरत नहीं है, सिर्फ खान की रिहाई के लिए आए हैं और इन्होंने वापस नहीं जाना, ये मैं आपको बता रहा हूँ, इन्होंने वापस नहीं जाना। अच्छा क्या कहेंगे, वो तो कह रहे थे कि हमारी बड़ी तैयारी है, मुकम्मल तैयारी है, अटक का पुल क्रॉस करके दिखाएं। ये तो डी चौक है और ये इस्लामाबाद का मंजर है, जहां तक नजर जा रही है अवाम का समंदर नजर आ रहा है, शदीद सेलिंग है, धुआं भी आप देख सकते हैं, लेकिन फिर भी डटकर खड़े हैं। देखिये मेरी बात सुने, आंखों से पानी निकलता नजर आ रहा है, ये कल का निकल रहा है स्वाबी से, कौन पीछे हटा है, अब आगे ही जाएंगे इंशाल्लाह ताला। जिंदगी रही हमारी, हमारा खून खान का एक इशारा, हाजिर हाजिर लहू हमारा, खान का एक इशारा, खान का एक इशारा। जब इमरान खान का नाम लेते हैं तो आगे चुनना बंद हो जाती है, जज्बा आता है, जज्बा, ये पानी निकलना बंद हो जाता है। ये हमारा डिजिटल जो है ना, डिजिटल असले हमारे हथियार है, विभावन है। दो दो दिन में गुल पंजाब के गुल्लूबटों को भगाया, अभी यहाँ तक पहुँच गए, और ये हमारा मल्क है, हमारा इस्लामाबाद है, हमारे टैक्सों हमारे पैसों पे चल रहे, ये किसी के बाप का मल्क मन नहीं है, ये ऊपर से शर बरसा रहे, इंशाल्लाह वहाँ से हम बर्दाश्त करते हैं, हम खान साहब के खातिर को बर्दाश्त करते हैं। देखो आज तक कल तक एक मैं अभी तक कल से अभी तक मौजूद है, मौजूद है, फिर भी मौजूद है, पीछे नहीं हटना, नहीं हटता है, एक दुश्मन है हमारा, 4 बजे से ये शैलिंग कर रहा है, इसको बोलो शैलिंग बंद करो। देखिए जी, ये जज्बा है, ये जुनून है, जैसा कि मैंने पहले कहा कि जज्बा जीत गया है, जुनून जीत गया है, आपका जुल्म आपका जबर हार गया है। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह। इमरान खान का नाम लेते हैं तो आगे चुनना बंद हो जाती है, जज्बा आता है, जज्बा, ये पानी निकलना बंद हो जाता है। ये हमारा डिजिटल जो है ना, डिजिटल असले हमारे हथियार है, विभावन है। दो दो दिन में गुल पंजाब के गुल्लूबटों को भगाया, अभी यहाँ तक पहुँच गए, और ये हमारा मल्क है, हमारा इस्लामाबाद है, हमारे टैक्सों हमारे पैसों पे चल रहे, ये किसी के बाप का मल्क मन नहीं है, ये ऊपर से शर बरसा रहे, इंशाल्लाह वहाँ से हम बर्दाश्त करते हैं, हम खान साहब के खातिर को बर्दाश्त करते हैं। देखो आज तक कल तक एक मैं अभी तक कल से अभी तक मौजूद है, मौजूद है, फिर भी मौजूद है, पीछे नहीं हटना, नहीं हटता है, एक दुश्मन है हमारा, 4 बजे से ये शैलिंग कर, इसको बोलो शैलिंग बंद करो। देखिए जी, ये जज्बा है, ये जुनून है, जैसा कि मैंने पहले कहा कि जज्बा जीत गया है, जुनून जीत गया है, आपका जुल्म आपका जबर हार गया है। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह।